कई तरह की कलाओं को खुद में समाहित किए मध्य प्रदेश की ये धरती बड़ी निराली है। और उन्हीं कलाओं में से एक है हाथों के हुनर की जादूगरी, हस्तशिल्प। मध्य प्रदेश में शिल्पियों की कोई कमी नहीं है, बस जरूरत है तो उन्हें थोड़ी सी सहायता और सही मार्गदर्शन की। मैंने मध्य प्रदेश के बच्चों से कहा, तुम्हें क्षमता है, तुम्हें प्रतिभा है, तुम्हें योग्यता है, क्या कमी है तुम्हें? आओ, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं नौकरी मांगने वाले नहीं, नौकरी देने वाले बन जाओ, लगाओ अपना उद्योग। तीन चीजें चाहिए उद्योग लगाने के लिए। नंबर एक, टेक्नोलॉजी चाहिए, वो सरकार की तरफ से दिलवाने में मैं पूरा सहयोग करूंगा। नंबर दो, जो चीज बना ले उसकी मार्केटिंग चाहिए, ब्रांडिंग चाहिए, वो मार्केटिंग ब्रांडिंग करने में सरकार सहयोग करेगी। तो मध्य प्रदेश हमने योजना बनाई, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना और युवा उद्यमी योजना, दोनों में हमने तय किया। युवा उद्यमी योजना में हमने तय किया कि जो अपना छोटा मोटा उद्योग लगाना चाहता है, लघु उद्योग लगाए, कुटीर उद्योग लगाए, वो लगाने के लिए 10 लाख से लेके 1 करोड़ रुपए तक का लोन उसको बैंक देगा। लोन को वापस करने की गारंटी भी उनका मामा शिवराज सिंह चौहान लेगा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार लेगी। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में हथकरघा एवं हस्तशिल्प विभाग मध्य प्रदेश द्वारा शिल्पियों को रोजगार से जोड़ने और उनके आर्थिक विकास के लिए संचालित ऐसी ही एक पहल है मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना। माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण विभाग है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र के जो कुटीर उद्योग हैं, ज़्यादा से ज़्यादा इसको बढ़ावा देना माननीय मुख्यमंत्री जी शिवराज सिंह चौहान का दृढ़ संकल्प है। 2014 से माननीय मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के अंदर युवाओं को रोजगार देने की दृष्टि से मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना प्रारंभ की है, और समय समय पर माननीय मुख्यमंत्री जी इन छोटे उद्यमियों का एक सम्मेलन भी बीच में किया था कि इन्होंने इस योजना के माध्यम से क्या क्या उत्पाद किया है, उस प्रदर्शनी लगाई, और उस प्रदर्शनी में हजारों युवक उसके अंदर आए और वो प्रसन्नचित दिखे हैं। और माननीय मुख्यमंत्री जी विभिन्न विभागों के माध्यम से ये स्वरोजगार योजना संपन्न करा रहे हैं। हथकरघा विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा चलाई जा रही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोगों को स्वरोजगार से जोड़ने के लिए बहुत अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। इसमें 50,000 से लेकर 10 लाख के जो लोन दिए जाते हैं उसके लिए ज़िले में प्रति सप्ताह इसके टास्क फोर्स की बैठक लेकर बैंक एवं उद्योजकों के साथ इनका समन्वय करके लोगों को प्रशिक्षित करके उद्योग स्थापित, स्वरोजगार स्थापित करने के लिए काम किया जाता है। इसमें सभी वर्गों के लोगों को स्वरोजगार से काफ़ी फायदा हुआ है। इस योजना के अंतर्गत कुटीर एवं ग्रामोद्योग के हितग्राहियों को बैंकों के माध्यम से 50,000 से 10 लाख राशि तक का ऋण उपलब्ध करवाया जाता है, एवं शासन द्वारा मार्जिन मनी और अनुदान सहित उचित मार्गदर्शन भी दिया जाता है। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक यानी नाबार्ड द्वारा 31 गतिविधियां चिन्हित हैं, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से आय एवं रोजगार से जुड़ी है। उनके लिए इस योजना के अंतर्गत ऋण लिया जा सकता है। हस्तकरघा विभाग द्वारा भी, नाबार्ड द्वारा जो 31 ग्रुप है जो काम करने के लिए, उसमें भी हम लोग केसेस बना करके और लगातार उसको मॉनिटर कर रहे हैं और उनमें लाभान्वित कर रहे हैं। शासन सब्सिडी भी देता है, और महिलाओं के लिए जो कि 30% तक है, और जो सामान्य वर्ग के हितग्राही हैं उनको 15% का उनको मिलता है, अनुदान मिलते हैं। और साथ ही इसमें जो ब्याज जो आते हैं आगे, तो ब्याज में भी 5% ब्याज का उनको शासन देती है, प्रतिपूर्ति करती है। और एक बहुत अच्छी बात यह है कि आमतौर पर बैंकों से फाइनेंस होने में दिक्कत होते हैं, बैंक सामने नहीं आते, तो शासन ने इसमें उसकी गारंटी भी दी है। विभाग द्वारा योजना का प्रचार प्रसार किया जाता है, जहां से जानकारी पाकर इच्छुक आवेदक एमपी ऑनलाइन पोर्टल या हथकरघा विभाग के जिला कार्यालय के माध्यम से आवेदन करते हैं, जिसकी जानकारी आवेदक को समय समय पर
SMS के माध्यम से मिलती रहती है। विभाग द्वारा आवेदनों की समीक्षा एवं अनुशंसा के बाद बैंकों में निराकरण के लिए भेजा जाता है और बैंक स्वीकृति के 15 दिनों के भीतर ही ऋण एवं अनुदान राशि हितग्राहियों को उपलब्ध करा दी जाती है। तो इसमें प्रोसेस ये होता है कि सबसे पहले तो हम उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करते हैं कि वास्तव में वो उस काम को कर सकता है कि नहीं, और कर सकता है तो कैसे कर सकता है। आधार कार्ड, पहचान पत्र और पैन कार्ड उससे मंगाते हैं और उसकी फ़ोटो, उसको वेरीफाई करते हैं। उसके बाद उसको 3 पेपर साइन करने होते हैं, एक लोन डॉक्यूमेंट, एक एग्रीमेंट और एक डिसबर्समेंट लेटर। उसके बाद हम उसको लोन दे देते हैं। सारी चीज़ें, सारी शर्तें बताता हूँ कि आपको लोन मिलेगा, इसमें ब्याज लगेगा हर महीने, आपको इंस्टॉलमेंट हर महीने देना है और आपको 7 साल के अंदर मैं ब्याज के इसको पूरा कर देना है। शासन द्वारा इस योजना का लाभ लेकर ऐसे कई शिल्पी हैं जिन्होंने खुद को सफल बनाया है। उन्हीं में एक है मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले के चंदेरी में रहने वाली रेशमा परवीन की। एक समय रेशमा भी अपनी खुद की इकाई शुरू करना चाहती थी, लेकिन आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से उनका ये सपना पूरा नहीं हो पा रहा था। पहले जो हम लोग मतलब काम करते थे उसमें 100-150 रुपए की मुनाफा में क्या करें, बच्चों को पढ़ाना भी है, घर का खर्च है, किस तरह से चलाएं, बहुत टेंशन रहती थी घर में। ऐसे में जब उनका साथ देने मध्य प्रदेश हथकरघा विभाग और मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना आई तो कुछ ही समय में रेशमा ने अपना उद्योग स्थापित कर डाला। हमको लोन मिल गया 10 लाख का, उससे हमने अपने पहले 6 लूम चढ़ाए, फिर उसके बाद आगे बढ़ा रहे हैं तो अब 10 हो गए हैं। आज रेशमा के अपने खुद के 10 लूम हैं, जिनमें बना कपड़ा बाजारों, प्रदर्शनियों एवं बड़े एक्सपो में बिक रहा है। और घर पे भी कुछ लोग पर्यटक आते हैं लेने के लिए, उन्हें भी सेलिंग करते हैं, हम लोग देते हैं माल। अपने परिवार के साथ अपने पैरों पर खड़ी रेशमा आज न सिर्फ समय पर बैंक की किश्त भर रही है, बल्कि मुनाफा कमाते हुए दूसरों को रोजगार भी दे पा रही हैं। ये जो मुख्यमंत्री जी की योजना से जो हम लोग को पैसा मिला है, हमारे परिवार वाले सभी बहुत खुश हैं, बहुत अच्छे से। बाघ प्रिंट उद्यमी अमन सिंह मुझालदा, धार जिले के ग्राम रामपुरा में रहने वाला ये नौजवान शुरुआत से ही बाघ प्रिंट की अपनी इकाई शुरू करना चाहता था, जिसके लिए उसने बाकायदा इस कला का प्रशिक्षण भी लिया था। 35 रुपए के हिसाब से काम 5-6 महीने किया और ऐसे करते करते हमने वहाँ पर 8 साल तक काम करा। अमन के हौसले तो मजबूत थे, लेकिन घर की कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से वह खुद की इकाई स्थापित नहीं कर पा रहा था। घर की स्थिति बहुत खराब थी सर, पहले काम पे जाते थे, मजदूरी से पेट नहीं भर पाता था, घर का पालन पोषण नहीं हो पाता था। ऐसे में जब अमन को हथकरघा विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का साथ मिला तो उसके सपनों को जैसे पंख लग गए। कुछ ही समय में बैंक से मिली ऋण राशि से अमन ने अपनी खुद की बाघ प्रिंट इकाई शुरू कर डाली। आज वो न सिर्फ बैंक की किश्त समय पर भर रहा है, बल्कि मुनाफा कमाते हुए खुद के साथ साथ 6 अन्य लोगों को रोजगार भी दे रहा है। हमारे अंडर में अभी 6 कारीगर फिलहाल में जो छपाई के हैं, बाकी 6 कारीगर जो नदी का काम है, यानी 12 लोग ऐसे काम कर रहे हैं अभी। हमारा मतलब घर का खर्चा भी निकल रहा है, और जो बेरोजगार जो कुक्षी काम पे जाते थे उनका भी अच्छा फायदा हो रहा है अभी। अमन और रेशमा की तरह ही ऐसे कई हुनरमंद हैं जो इस योजना का लाभ लेकर एक सफल उद्यमी के रूप में पहचान बना रहे हैं। 6 महीने पहले ही मेरा सेटअप हुआ है पूरा, और आज खुद मैं लोगों को रोजगार दे रहा हूँ, और 3 वर्कर काम करते हैं मेरे यहाँ। इसके बाद फिर आरओ का काम है, तो 80 बोतल डेली जाती है, और 3 लोग मेरा काम भी करते हैं, और आज मैं बड़ा खुश हूँ। अब आर्थिक स्थिति सही है और मेरे माता पिता भी खुश हैं और मैं भी खुश हूँ। मैंने जब ये लोन नहीं करवाया था, इससे पहले मैं बहुत दुखी था, बहुत परेशान था, लेकिन इस लोन को उठाने मतलब लेने के बाद में मैं बहुत खुश हूँ।
और ये गाड़ी खरीदी मैंने इस लोन से, और बस अभी स्कूल में चल रही है, बच्चों को लाता हूँ, ले जाता हूँ, छोड़ता हूँ। मैं अपने परिवार को बहुत अच्छे से पाल रहा हूँ, सबकी पूर्ति कर पा रहा हूँ, मैं अपनी खुद की पूर्ति कर पा रहा हूँ। मैं शान से कह सकता हूँ कि मैं आज कमाई कर रहा हूँ अच्छी। कुछ कर गुजरने के अनेक सपनों को साकार करती मध्य प्रदेश शासन की यह योजना हर दिन सफलता के नए आयाम रच रही है।